सोलन में महिला कांग्रेस ने राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। वहीं हिमाचल के प्रभारी रजनी पाटिल और अध्यक्ष जैनब चंदेल बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस सम्मेलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उपस्थित महिलाओं को कांग्रेस विचारधारा से अवगत करवाया गया और उनमें सुष्मिता देव ने नए रक्त का संचार किया और बताया कि मोदी सरकार महिलाओं को फ्री सिलेंडर देकर रसोई तक सीमित रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सरकार उन्हें प्रधान, अध्यक्ष, विधायक, सांसद बनाकर लोकसभा, विधानसभा और संसद तक भेजना चाहती है। इस मौके पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि महिला कांग्रेस के राज्य स्तरीय सम्मेलन से वे चुनावी बिगुल फूंकने जा रही हैं और कहा कि आने वाले चुनावों में महिलाओं की अहम भूमिका रहने वाली है और इसलिए महिला कांग्रेस जल्द ही हिमाचल में डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं रैली और सभा में नहीं आ सकती उस तक इस अभियान के तहत पहुंचाया जाएगा और कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस को और मजबूत किया जाएगा ताकि कांग्रेस प्रदेश में जीत हासिल कर सके। मैं पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आई हूँ और हमारी ये उम्मीद है कि आज की सभा से शुरुआत है, हम अपने हर कार्यकर्ता को ब्लॉक लेवल तक, बूथ लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे और हम ये मानते हैं कि महिला कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेन पे ज़्यादा जोर देगी ताकि हर वो महिला जो आज हमारे किसी रैली में नहीं है, हमारे किसी राजनीतिक सभा में नहीं है, जो बहनें अपने घर में बैठी हैं, उन तक हम पहुंचना चाहेंगे महिला कांग्रेस के माध्यम से। और हमारा ये मानना है कि देश की महिलाएं जिस तरफ रहेगी उसी की सरकार बनेगी, क्योंकि 48% देश की आबादी आज महिलाएं हैं। मैं मानती हूँ पहाड़ की जो महिलाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, प्लेन से ज़्यादा, और पहाड़ियों में क्या है कि दिखते नहीं हैं क्योंकि दूर दूर घर होते हैं, डोर टू डोर काम होता है। तो कमज़ोर मैं नहीं कहूँगी कि महिला कांग्रेस यहाँ कमज़ोर है, पर महिला कांग्रेस में और ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है, ये मैं मानती हूँ। और जब से रजनी ताई ने यहाँ से काम शुरू किया है, जो खुद महिला कांग्रेस से उठ के आई है और एक बड़ी नेता बनी है कांग्रेस में, उनके नेतृत्व में महिला कांग्रेस बहुत ज़ोर शोर से काम करेगी, मेरा ये विश्वास है।